हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सारा और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ओनली बू सीरीज के एपिसोड 8 के पार्ट 2 को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, प्लीज आप जरूर जाके देख लीजिएगा। चलिए बिना देर करते हुए आज के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि पायोस टे और वो को बताता है कि जैन ने दोबारा उनकी टीम का ऑडिशन लेने के लिए बोला है, तो ये सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग ऑडिशन के लिए फिर से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। टे और पायोस एक दूसरे के साथ डांस प्रैक्टिस करते हैं। वहीं वो ऑडिशन में सॉन्ग परफॉर्म करने के लिए एक सॉन्ग को लिख रहा होता है। सॉन्ग कंप्लीट हो जाने के बाद वो उसको गाने की प्रैक्टिस वगैरह करता है। इसके बाद वो कैंग को अपने साथ एक जगह पर लेके आता है, तो कैंग बोलता है कि तुम मुझे कहाँ पर लेके आए हो, तो वो उसे चुपचाप अपने साथ चलने को कहता है। वो उसे लेकर एक कमरे में आता है जहाँ पर पियानो रखा होता है। वो कैंग को बताता है कि उसने ऑडिशन के लिए एक सॉन्ग को लिखा है, लेकिन सबसे पहले वो उस गाने को उसे सुनाना चाहता है क्योंकि वो सॉन्ग उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कैंग है, इसलिए वो सबसे पहले कैंग को वो गाना सुनाएगा। फिर वो पियानो के पास जाकर बैठ जाता है। पियानो को बजाते हुए वो उस सॉन्ग को गाकर कैंग को सुनाने लगता है। उसने ये सॉन्ग स्पेशली कैंग के लिए ही लिखा होता है, जो कि एक लव सॉन्ग होता है। कैंग उसके पास आकर बैठ जाता है और उस गाने को एंजॉय करने लगता है। उसे ये गाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर गाना जैसे ही खत्म हो जाता है, वो मो से बोलता है कि थैंक यू मो मेरे लिए ये गाना लिखने के लिए, और थैंक यू सो मच मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए, मुझे इतना अच्छा फील कराने के लिए। इसके बाद हमें ऑडिशन वाले दिन का सीन दिखाया जाता है। वो अपने ऑडिशन में इसी गाने को परफॉर्म करता है। जजेस को उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा लगता है, वो उसके स्किल से काफी प्रभावित होते हैं। ऑडिशन देने के कुछ दिनों बाद जब ये चेक कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट राउंड में इनका सिलेक्शन हुआ या नहीं, तो इन्हें पता चलता है कि इनका सिलेक्शन हो गया है। ये तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। टे मो से बोलते हैं कि चलो इस खुशी को सेलिब्रेट करने चलते हैं, आज खाने पर चलते हैं। तो मो से बोलता है कि नहीं, तुम ही लोग जाओ क्योंकि आज मैं पूरा दिन अकेले अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तो नहीं जा रहा। कैंग जब से मो का बॉयफ्रेंड बना था, मो इसी बात को शो ऑफ करते रहता था कि अब तो उसका बॉयफ्रेंड है। टे कैंग से बोलता है कि एक बात बताओ यार, क्या तुम्हें इस पर गुस्सा नहीं आता? तो कैंग उससे बोलता है कि नहीं, बल्कि मुझे इस पर प्यार आता है। ये जैसा भी है मैं इससे प्यार करता हूँ। ये सुनकर मो खुश हो जाता है और बोलता है कि ओह मेरा बॉयफ्रेंड कितना क्यूट है। ये एक दूसरे से इतना ज्यादा लवी डवी बन रहे थे कि टे से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो बोलता है कि इतना प्यार मुझसे हजम नहीं हो रहा है यार, लगता है मुझे उल्टी हो जाएगी, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, चलो यहाँ से चलते हैं पायोस। फिर वो पायोस को लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो पायोस के पीछे पीछे आता है और उससे बोलता है कि आई थिंक यही सही टाइम है, तुम्हें टे से अपनी फीलिंग कन्फेस कर देनी चाहिए, जाकर उसे बता दो कि तुम उससे प्यार करते हो। पायोस उससे बोलता है कि तुम पागल पागल हो गए हो क्या, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और तुम ये सब मत बोलो वरना उसको पता चल जाएगा। मो बोलता है कि हाँ तो अच्छा ही होगा, तुम जाओ और जाकर उसे सच बता दो। और पता है टे ने मुझसे बोला है कि वो भी तुमसे प्यार करता है। तो पायोस उससे बोलता है कि वो तो मुझसे भी बोलता है कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन एज अ फ्रेंड। तभी टे पायोस को आवाज देता है, पायोस क्या कर रहे हो, जल्दी चलो। तो पायोस उससे बोलता है कि एक सेकेंड रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर वो मो को अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलता है। तो मो उससे बोलता है कि क्या तुम नहीं चाहते कि वो भी तुमसे वैसा प्यार करे जैसा प्यार तुम उससे करते हो? तो पायोस उससे बोलता है कि इससे पहले कि टे ये सब सुन ले चुप हो जाओ। तभी टे बोलता है कि हेलो हेलो, क्या तुम लोग मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हो? तो मो उससे बोलते है कि नहीं नहीं मैं तो बस पायोस को थैंक्स बोल रहा था, चलो तुम लोग अब जाओ, अब मैं और नहीं रोकूंगा। फिर जैसे ही पायोस जाने लगता है, वो उससे बोलता है कि मैंने जो बताया वो भूलना मत, ओके? फिर मो जब वापस कैंग के पास आता है तो कैंग उससे पूछता है कि सब ठीक तो है ना, क्योंकि वो भागते हुए पायोस के पीछे गया होता है। तो मो उससे बोलता है कि अच्छा जो पहले हुआ तुम उस बारे में बात कर रहे हो? हाँ सब ठीक है, वो तो मैं बस पायोस के अंदर थोड़ा जोश और हिम्मत भरने गया था। बाय द वे मैंने इतनी मेहनत करके ऑडिशन पास किया, उस एफर्ट के बदले कुछ गिफ्ट तो बनता है ना, मेरा गिफ्ट कहाँ है? तो कैंग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए? वो तुरंत अपना चिक्स आगे करके उससे किस मांगने लगता है। तो कैंग उससे बोलते है कि यहाँ पर? तो मो बोलते है कि हाँ। तो कैंग बोलते है कि ठीक है लेकिन एक ही बार करूंगा। फिर वो मो के गालों को चूमने लगते है। अभी वो उसे किस कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर नेथा जाती है, जो उसे मो को किस करते हुए देख लेती है। कैंग तुरंत मो से थोड़ा दूर हट जाते हैं। नेथ उनसे बोलती है कि सॉरी सॉरी मैंने तुम दोनों को इंटरप्ट कर दिया, मैं बाद में आती हूँ, और वो जाने लगती है। तभी कैंग उसे रोक लेता है और बोलता है कि रुको, जाने की कोई जरूरत नहीं, अंदर आ जाओ। तो नेथ बोलती है कि नहीं नहीं मैं जा रही हूँ, तुम लोग अपना मोमेंट इंजॉय करो।
तो कैंग उससे बोलता है कि अब बोलो भी, क्या बोलने आई थी। तो नेथ उसे टीज करते हुए बोलती है कि अब अपने एम्बेरसमेंट की भड़ास मुझ पे मत निकालो, मैं तो यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मैंने अनाउंसमेंट देखा कि मो का नेक्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया है। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो दृश्य देखा, तुमने जो किया वो बहुत ही क्यूट था, मुझे वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगा। ये सुनकर मो हंसने लगते हैं और बेचारा कैंग चुपचाप नेट को देखे जा रहा होता है। तभी नेट बोलती है कि वैसे मो, क्या मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है? क्योंकि जब तुम फेमस हो जाओगे तब तुम्हें अप्रोच करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम मुझे अभी ऑटोग्राफ दे दो। इस पर मो उससे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं चाहे कितना भी फेमस हो जाऊँ हमेशा ऐसे ही रहूंगा, तुम मुझे अप्रोच कर सकती हो। तो नेथ उससे बोलती है कि नहीं, तुम फेमस होने के बाद चाहकर भी ऐसे नहीं रह पाओगे, क्योंकि सेलिब्रिटी बनने के बाद तुम्हारे पास प्राइवेट लाइफ ही नहीं बचेगी, और हो सकता है कि तुम्हें कैंग के साथ अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना पड़े। इस पर मो बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद लोग समझेंगे क्योंकि लोग अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं। तो नेथ उससे बोलती है कि ऐसा नहीं है मो, कुछ लोग आज भी वैसे ही हैं जो नहीं समझेंगे। तभी कैंग मो से बोलता है कि अगर तुम्हें हमारे रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना पड़े तो हम इसे सीक्रेट ही रखेंगे। तो मो उससे बोलता है कि लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कैंग? तो कैंग बोलता है कि क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है, और अगर हमारे रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना ही तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा तो बेहतर है कि हम इसे सीक्रेट ही रखें, क्योंकि हमें तो पता है ना कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस इतना ही काफी है। तो मो बोलता है कि हाँ सही कहा तुमने। इन दोनों को इतना लवी डबी बनते देखकर नेट परेशान हो जाती है और बोलती है कि ओ भाई साहब, क्या चल रहा है यहाँ पे? अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कबाब में हड्डी बन गई हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं मैंने तुम दोनों को प्यार में पागल होते हुए देखने के लिए टिकट तो नहीं खरीद लिया, चलो एक दूसरे से दूर हटो। वो उन दोनों के बीच से निकलते हुए जाने लगती है और बोलती है कि मॉम, आपके पास कुछ खाने के लिए है क्या? इधर टेप आयो उसके साथ खाने पर आया होता है, वो वहां पर अपने ऑटोग्राफ की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो पायोस से पूछता है कि पायोस, मेरा ऑटोग्राफ अच्छा लग रहा है क्या? लेकिन पायोस किसी अलग ही ख्याल में खोया हुआ था, दरअसल वो मुंह की बात को सोच रहा होता है कि जाके आज कन्फेस कर देना कि तुम उससे प्यार करते हो। टेव से दोबारा बोलता है, पायोस कहाँ खोए हुए तुम, क्या सोच रहे हो? तो पायोस बोलता है कि कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। वैसे तुम ये सब साइन क्यों कर रहे हो? तो टेव बोलता है कि मैं अपने ऑटोग्राफ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि सेलिब्रिटी बनने के बाद मैं अपने फैंस को सुंदर सा ऑटोग्राफ दे सकूँ। फिर वो पेन और पेपर उसे दे देता है और बोलता है कि तुम भी अपने साइन की प्रैक्टिस करो। पायोस उसे ले तो लेता है, फिर उसे याद आता है कि मो ने उससे बोला था कि तुम भी चाहते हो ना कि वो तुमसे वैसा ही प्यार करे जैसा तुम उससे प्यार करते हो। यही सोचकर वो उस कागज पर अपने दिल की बात लिख देता है कि वो उससे एक दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त से भी ज्यादा प्यार करता है। फिर जब टे उससे वो कागज मांगता है कि दिखाओ तुमने कैसा साइन किया है, तो वो घबरा कर जल्दी से उस कागज को फाड़ देता है और बोलता है कि अच्छा नहीं था, जब मैं अच्छा सा साइन कर लूंगा ना तो मैं सबसे पहले तुमको दिखाऊंगा। तुम एक काम करो ना, तुम खाना खाओ, मैं पानी लेके आता हूँ। फिर वो जल्दी से पानी लाने चला जाता है। टेकू उसका बिहेवियर काफी अजीब लगता है, वो बोलता है कि ये इतना वियर्ड क्यों एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम मो और कैन को देखते हैं जो कि कहीं पर बाहर घूमने आए होते हैं। मो कॉल पर अपनी मॉम से बात कर रहा होता है, वो अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम, आपने देखा ना कि मेरा नेक्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया है, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा मो। फिर अपनी मॉम से बात करने के बाद वो कॉल कट करके कैंग की गोद में लेट जाता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, कैंग भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो उससे बोलता है कि मो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करना है। मो उससे बोलता है कि पता है मेरी मॉम भी सेम यही बात बोल रही थी, तुम भी उन्हीं की तरह बोल रहे हो, तुम मेरी मॉम हो या फिर मेरा बॉयफ्रेंड? तो कैंग बोलता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र होती है क्योंकि कुछ ही दिनों बाद तुम्हारे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं। मो बोलते हैं कि भले ही मुझे देखकर नहीं लगता पर मैं पढ़ाई करता हूँ, तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मुझसे सवाल कर सकते हो। तो कैंग बोलते हैं कि ओ रियली? तो मो बोलता है कि नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। फिर कैंग उससे बोलता है कि मैं भी अपने यूनिवर्सिटी एडमिशन एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ, आई होप कि हम दोनों को एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। तो मो बोलता है कि वाह, ये तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर हम दोनों एक ही जगह पर पढ़ते हैं तो हम दोनों साथ में ही रहेंगे, फिर हम 24/7 एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करेंगे। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा, काश कोई टाइम मशीन मिलता तो मैं उसे खरीद कर जल्दी से समय को आगे बढ़ा देता। कैंग उससे बोलता है कि शांत हो जाओ मो, फिलहाल तो तुम प्रेजेंट में ही रहो। मो उसके करीब आता है और उसे गले से लगा लेता है, फिर उसके गालों को चूम लेता है और बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ। कैंग भी उसके गालों को चूमता है और बोलता है कि मैं भी बहुत खुश हूँ। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है,
वो अपने हाई स्कूल के फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम देता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट देता है। वहीं दूसरी तरफ कैन बी आर्ट फैकल्टी में एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट को दे रहा होता है। इसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब मो के स्कूल में हाई स्कूल के फेयरवेल का दिन होता है, यानी कि आज उन लोगों का स्कूल में आखिरी दिन होता है, इसलिए सभी लोग एक दूसरे की शर्ट पे साइन वगैरह कर रहे होते हैं। वही इधर डायरेक्टर अपने ऑफिस में बैठे किसी को मैसेज कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मो आता है और बोलता है कि हेलो डायरेक्टर। डायरेक्टर बोलती है कि अरे मो आओ आओ, कौन से फैकल्टी में एडमिशन लिया तूने? वो बोलता है कि वो मैंने म्यूजिक फैकल्टी में एडमिशन लिया है। डायरेक्टर बोलते हैं कि ओ दैट्स ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन मोक। मोक बोलता है कि थैंक यू डायरेक्टर। फिर डायरेक्टर उससे पूछते हैं कि वैसे तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? तो मो बोलता है कि आज मेरा स्कूल में आखिरी दिन है, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलने आया हूँ। थैंक यू डायरेक्टर, आपने मुझे तराश कर एक अच्छे इंसान बनने में मदद की। तो डायरेक्टर उससे बोलते हैं कि नहीं नहीं सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि तुमने भी खुद को इम्प्रूव करने के लिए काफी कड़ी मेहनत की है। तो मो उनसे बोलता है कि डायरेक्टर आपको याद है जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो आपने मुझसे क्या बोला था? दरअसल डायरेक्टर ने उससे बोला होता है कि हर चेंजेस अपने साथ एक डिसकंफर्ट लेके आती है, हमें उस डिसकंफर्ट में उस चेंज में ही हैप्पीनेस को ढूंढना होता है, और फिर वही हैप्पीनेस हमें उस लाइफ के टफ टाइम में उस डिसकंफर्ट में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सीन प्रेजेंट में आता है, वो डायरेक्टर से बोल रहा होता है कि अपने लास्ट सेमेस्टर की पढ़ाई करने के दौरान मुझे वो हैप्पीनेस यहाँ पर मिला। ऑफकोर्स वो यहाँ पर कैन की बात कर रहा होता है। वो डायरेक्टर को थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं, तभी डायरेक्टर उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो कि मेरा तुम पर कुछ उधार है? वो बोलते हैं कि ओह आप उन 200 रुपए की बात कर रहे हो ना जो मैंने आपसे उस दिन उधार लिए थे? तो डायरेक्टर उससे बोलते हैं कि नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो उससे अपनी शर्ट पर साइन करने को बोलते हैं। वो उससे कहते हैं कि दरअसल मैं अपनी बेटी को शो ऑफ करना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में एक सेलिब्रिटी पढ़ता है। वो बोलते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं मैं साइन कर देता हूँ। फिर वो उनकी शर्ट पर साइन कर देता है। इधर हम टे और पायोस को देखते हैं, इनको बहुत सारे गिफ्ट मिले होते हैं इनकी फैन की तरफ से। पायोस टे से बोलता है कि तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा गिफ्ट मिले हैं, और देखो ना तुम्हारा शर्ट साइन से एकदम भरा पड़ा है, साइन करने की थोड़ी सी जगह भी नहीं बची है। ये दोनों अपने अपने गिफ्ट को लॉकर में रख देते हैं। टे पायोस से बोलता है कि पायोस तुमने अभी तक मेरे शर्ट पे साइन नहीं किया है ना? पायोस बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूं। तो टे बोलते हैं कि कुछ ऐसा जो तुमने मुझे कभी नहीं बताया हो, आई नो कि तुम्हारे पास ऐसी कोई बात जरूर होगी जो तुमने मुझसे कभी नहीं बोली होगी, प्लीज मेरे लिए साइन कर दो। तो पायोस बोलता है कि क्या ये जरूरी है? टे बोलते हैं कि कम ऑन यार, आज स्कूल में हमारा आखिरी दिन है, प्लीज साइन कर दो ना। तभी वहां पर एक लड़का आता है और टे को अपने साथ फुटबॉल खेलने के लिए पूछता है। तो टे बोलते हैं कि हाँ वो खेलेगा। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। टे पायोस से बोलते हैं कि चलो आखिरी बार फुटबॉल फील्ड में खेल लेते हैं, उसको भी अलविदा बोल देते हैं। पायोस बोलते हैं कि ठीक है तुम पहले जाओ, मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ। टी अपना शर्ट निकालकर लॉकर में रख देता है और टी शर्ट पहनकर फुटबॉल खेलने चला जाता है। उसके जाने के बाद पायोस लॉकर से उसका शर्ट निकालता है और उसके कॉलर पर अपने दिल की बात लिख देता है। तभी उसके पीछे अचानक टी आ जाता है और बोलता है कि क्या लिख रहे हो तुम? मुझे पता था कि मेरे जाने के बाद तुम सीक्रेट टाइम में मेरे शर्ट पे साइन जरूर करोगे, दिखाओ तुमने क्या लिखा है। पायोस डर के मारे उसे दिखा नहीं रहा होता है, लेकिन टे कैसे भी करके उसे शर्ट छीन लेता है। फिर उस पर लिखी हुई बात को पढ़ने लगता है। वो देखता है कि पायोस ने उस पर लिखा है कि आई लव यू मोर देन अ फ्रेंड। ये देखकर वो चौंक जाता है, वो पायोस की तरफ देखने लगता है। वही पायोस उसके जवाब का इंतजार कर रहा होता है कि टे कैसा रिएक्ट करता है, लेकिन ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कैंग को देखते हैं जो कि मो का वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहां पर मो आता है। कैंग देखते हैं कि मो के शर्ट पर हर तरफ सिग्नेचर भरे पड़े हैं। मो इस बात को उसके सामने फ्लेक्स भी करता है। कैंग बोलता है कि क्या बात है, ये शर्ट है या फिर कोई शिलालेख? तो मो बोलता है कि कम ऑन तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना पॉपुलर है, तुम्हें इसकी आदत हो जानी चाहिए। तो कैंग उससे बोलते हैं कि अच्छा जी अभी तो तुम अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा डाउन करके रखो, क्योंकि तुमने अभी सिर्फ अपना हाई स्कूल पास किया है, इसलिए इतना ज्यादा मत उड़ो। तो मो उससे बोलते हैं कि क्यों नहीं उड़ सकता मैं, मैंने अच्छे ग्रेड के साथ हाई स्कूल पास किया है, मुझे एक अच्छे से यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस मिली है और मैं जल्दी ही ट्रेनी आर्टिस्ट बनने वाला हूँ, जल्दी ही मेरा सपना सच होने वाला है। तो कैंग उससे बोलते हैं कि हाँ बाबा वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा सुनो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मो बोलते हैं कि हाँ बोलो ना। कैंग उसे बताता है कि मैंने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है और मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ।
ये सुनकर मो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि रियली ओ गैंग, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे यहाँ रहने पर तुमने मेरा ख्याल रखा ना, वैसे ही जब तुम वहाँ चलोगे तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ओके? गैंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल ओके है। फिर मो उससे बोलता है कि पता है मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी चीजें करना चाहता हूँ, जिसकी मैंने एक लंबी सी लिस्ट बना रखी है। गैंग बोलता है कि मेरे पास भी एक लिस्ट है। फिर वो एक छोटा सा कागज जिसपे हर्ट बना होता है वो निकाल कर उसे दिखाता है। वो बोलता है कि ये क्या है? तो कैंग बोलता है कि मेरे लिस्ट में सिर्फ एक ही चीज शामिल है, तुमसे प्यार करना। वो उस कागज को अपने पैकेट में रख लेता है और बोलता है कि आई लव यू टू कैंग, क्या मुझे मेरा ग्रेजुएशन गिफ्ट मिलेगा? तो कैंग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलता है कि क्या मुझे किस मिल सकती है? तो कैंग बोलता है कि अगर तुम नहीं भी मांगते ना तो भी मैं तुम्हें किस करता। फिर धीरे धीरे वो एक दूसरे के पास आते हैं और फॉर द फर्स्ट टाइम इन दोनों के बीच रियल किस होती है। दोनों के बीच एक काफी स्वीट रोमांटिक किसिंग सीन दिखाया जाता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।